जय विकेती गाय पालन चैनल में आपका स्वागत। आज हम आपको आम की आम्रपाली वैरायटी की टहनी से नया पेड़ बनाने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप बना रहिए वीडियो में बिना स्क्रिप्ट किए और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप आम की डाली लीजिए और उसको इस प्रकार से ऊपर से नीला थोता लगा के और केले के अंदर लपेट के रख दीजिए। 7 से 8 दिन बाद में आप देखोगे इसमें अंकुरण हो जाएगा और नीचे की तरफ अच्छी तरफ वो आ जाएगी जड़ी। और इसमें आपको रूट डेवलप पाउडर जरूर डालना ताकि इसकी रूट जल्दी डेवलप हो सके। और उसके बाद में आप देखिए इसको नए पॉट में ट्रांसफ़र कीजिए। 15 से 20 दिन बाद में देखिए इसकी जड़ें चल जाएगी और उसके बाद में इस प्रकार से ये पत्ते बड़े हो जाएंगे। और इसमें इसके लिए साइड में आपको इस प्रकार से मल्चिंग कर लिए नीम के पत्तों की ताकि इसमें फंगस ना लगे और प्रॉपर तरीके से पानी दें। और आप देख सकते हैं करीब आज इसमें अंकुरण हो गई है और इसमें बढ़िया ग्रोथ है अभी। और अब एलोवेरा जेल लेंगे और इस प्रकार से इसकी टहनी को इस प्रकार से एलोवेरा जेल को हम काटेंगे और इसकी जो टहनी है उसको इस प्रकार से लेंगे और एलोवेरा जेल को बिल्कुल बारीक काटेंगे और हम मौसमी को काटेंगे। और इनकी एक जो हमने कंपोस्ट पिट बनाई है उसमें डालेंगे। इसमें वर्मी कंपोस्ट हमारा मिट्टी है और कोको पिट है और 18 इंची का गमला में हम डालेंगे। इस प्रकार से हम इसमें ग्रीन मेनू का खाद बनाएंगे और इस प्रकार से इसमें केले का एक हम पेड़ लगा देंगे। केले के ये जड़ लगाएंगे तो ऊपर की तरफ ग्रोथ हो जाएगी और दोनों साइडों की तरफ से इसमें बढ़िया ग्रोथ हो के इसमें अंकुरण हो जाएगा और जड़ बन जाएंगे। इसके बाद में इसमें नए पॉट में लगाएंगे हम। नए पॉट में लगाने के बाद में इस प्रकार से इसमें पानी देंगे और प्रॉपर तरीके से इसमें आधी धूप आधी छांव में रखेंगे। कुछ समय बाद में आप देखो इस प्रकार से इसमें फ्रूट आ जाएंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन। मिलते हैं इस वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे